Hi guys, welcome और welcome back to my channel Urban Home and Style. I hope all of you doing great. So आज का haul video एक handbag haul video होने वाला है. So इसमें मैंने काफ़ी सारे clutches, slings bag, shoulder bag and काफ़ी सारे handbags try करे हैं. So मैंने काफ़ी सारे websites से try करे हैं like Meesho, Amazon, Flipkart and ये जितने भी bags हैं ना काफ़ी ज़्यादा affordable हैं. So yes, further any delay, let's get start the video. सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हैंडबैग से. सो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा है एंड यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग मिल जाएगा. लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर डिज़ाइन एंड इसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. इसमें आपको पूरा फ्लोरल डिज़ाइन मिल जाएगा. यहाँ पे आप एक छोटी सी चेन मिल जाएगी जो कि मल्टी कलर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है दिखने में. यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैप मिल जाएगा. सो आप इसको ऐसे करके भी कैरी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक ऐसा स्लिंग मिल जाएगा. सो आप इसको स्लिंग की तरह कैरी कर सकते हैं. फ्रंट पे आपको ऐसा टिक टैक बटन मिल जाएगा. सो आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका बटन एंड अंदर की तरफ आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे. सो आप इसमें अपने फ़ोन, थोड़ा बहुत कैश एंड मेकअप कैरी कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते बिकॉज उतना बड़ा साइज़ नहीं है इसका. बात करते हैं इसके मटेरियल की. सो ये आपको मिल जाएगा प्यू लेदर में. यहाँ पे छोटा सा इन्होंने अपना ब्रांडिंग दे रखा है. बात करते हैं गाइस इसकी प्राइसिंग की. सो प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. ये मुझे 314 यानी 314 रुपीज़ में मिल गया था. बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल पर्स है ये. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंड बैग. सो गाइज दिस इज़ अ सेकेंड कॉपी और रेप्लिका आप इसको कह सकते हो. तो दिस इज़ माइकल कॉस रेप्लिका एमके का है ये सेकंड कॉपी. सो इसका बात कर लेते हैं मटेरियल की. सो मटेरियल है ये पीयू लेदर मटेरियल. इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड गाइस जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना वो अराउंड 20,000 से 25,000 रुपीज़ में मिल जाएगा. बट इसका एक्चुअल प्राइस मैं अभी लास्ट में बताऊँगी. सो इस सेकेंड कॉपी को मैंने कितने में परचेज करा है. सो यहाँ पर आपको फ्रंट में ना ऐसा गोल्डन चेन मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है दिखने में. एंड दिस इज़ शोल्डर बैग. सो यहाँ पे आपको ऐसा पूरा लेदर का मिल जाएगा शोल्डर स्ट्रैप. सो बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे पूरा आपको एमके का डिज़ाइनिंग मिल जाएगा एंड पूरा ये ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर में आपको मिल जाएगा. सो बात कर लेते हैं इसके कंपार्टमेंट की. सो इसमें मिल जाएगा आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट. सो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते. इसमें आपका फ़ोन आ सकता है, थोड़ा बहुत मेकअप का लिप शेड वगैरह आ सकते हैं. सो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड ना इसका मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा बिकॉज अंदर की तरफ इन्होंने ना ब्राउन कलर का जो फैब्रिक लगा रखा है बहुत ही सही है. बिकॉज आप ना इस टाइप के पर्स लाइक चीप में ले लो, सस्ते पर्स ले लो बट अंदर ना फैब्रिक वो किसी और कलर का लगा देते हैं तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है. बट अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक अच्छा लगा रखा है. सो पूरा मटेरियल भी इसका अच्छा है, दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है. बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की. सो ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ में. गाइज इतना क्यूट सा पर्स, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंड बैग. और ये जो हैंड बैग ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. इसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगाओ नहीं मंगाओ बिकॉज इसका साइज ना बहुत ही ज़्यादा टाइनी स्मॉल सा है बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. सो यहाँ पे ना आपको पूरा ऐसा क्रिस्प डिजाइन मिल जाएगा. मटेरियल इसका सिलिकॉन है जो कि ना थोड़ा सा शाइनी मटेरियल होता है एंड यहाँ पे फ्रंट पे आपको बड़े बड़े पर्ल्स मिल जाएंगे. सो आप इसको इस टाइप से भी कैरी कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको एक स्लिंग मिल जाएगी गोल्डन से. सो आप इसको स्लिंग की तरह भी कैरी कर सकते हैं. फ्रंट में आपको ऐसा हुक एंड लूप का क्लोजर मिल जाएगा एंड अंदर की तरफ आपको सिर्फ एक सिंगल कंपार्टमेंट मिलेगा. सो इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह तो नहीं रख सकते बट थोड़ा बहुत मेकअप का लाइक लिप शेड वगैरह आ जाएगा. बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की. सो ये मुझे 210 रुपये यानी 210 रुपीज़ में मिल गया था मीशो से. सो बहुत ही क्यूट पर्स है. सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंड बैग. सो ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से एंड ब्रांड मिल जाएगा आपको वेन हुसैन. सो इसमें आपको 2 डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, पीच एंड येलो कलर. सो मैंने इसको येलो कलर में परचेज करा है. सो फ्रंट में आपको ऐसा एक चेन मिल जाएगा गोल्डन कलर की. इस चेन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड यहाँ पे आपको ऐसे लेदर का एक टेसल मिल जाएगा. सो यहाँ पे आपको एक स्लिंग मिल जाएगा. सो आप इसको स्लिंग की तरह कैरी कर सकते हैं. फ्रंट में आपको हुक एंड लूप क्लोजर मिल जाएगा. इसका हुक एंड लूप क्लोजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. साथ में आपको अंदर की तरफ एक कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको एक जिप मिल जाती है जो उसमें आप अपने कॉइन वगैरह ईजिली रख सकते हैं. सो बात करें पूरे मटीरियल की. सो मटीरियल है इसका प्यू लेदर बट मटीरियल इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो लास्ट इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की. सो ये मुझे 1500 रुपीज़ में मिला था बट
प्राइस वाइज और मटेरियल वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंडबैग, सो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से एंड इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। मैंने इसको ग्रे कलर में पिक करा है एंड यहाँ पे आपको ऐसा गोल्डन चेन मिल जाएगी। आप इसे एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हैं, साथ में आप इसको एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हैं। एंड इसकी बात कर लेते हैं मटेरियल की, सो ये सिलिकॉन मटेरियल है जो कि काफी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है काफी अच्छा मटेरियल है। साथ में आपको ऐसा यहाँ पे हुक एंड लुक का क्लोजर मिल जाएगा, सो आप इसे इजिली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अंदर की तरफ आपको मिल जाएंगे टू कंपार्टमेंट्स एंड सीरियसली गाइस, इसको ना मुझे काफी टाइम हो गया यूज करते हुए एंड इसका कलर वगैरह, ये चेन वगैरह का जो कलर है ना वो कहीं नहीं गया, दिखने में बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगता है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक में ना ऐसा क्रिस क्रॉस डिजाइन मिल जाएगा एंड थोड़ा सा ना इस वाले हैंडबैग में थोड़ा सा शाइनी मटेरियल आता है तो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है। सो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, सो ये मुझे पड़ा है 539 रुपीज में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंड बैग, सो ये मैंने परचेज करा है फ्लिपकार्ट से एंड इसमें मैंने जो कलर पिक करा है वो करा है पिंक एंड ब्लैक कलर। सो इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं एंड यहाँ पे आपको ऐसा स्लिंग मिल जाएगा लेदर का। सो बात करते हैं इसकी मटेरियल की, सो ये है सेम पीयू लेदर में एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐसा एक टिक टैक बटन मिल जाएगा जो कि मुझे ओके लगा। इसका टिक टैक बटन ना बहुत ज्यादा वो मतलब आपको थोड़ा सा फोर्स करके ही बंद करना पड़ेगा इसको एंड अंदर की तरफ आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको एक चेन मिल जाती है, सो अपने कॉइन्स वगैरह इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। सो बात करते हैं क्वालिटी की, सो क्वालिटी मुझे ओके लगी बट प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस ठीक है, सो इसका प्राइस है 360 रुपीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंडबैग, सो ये मैंने परचेज करा है अमेजोन से, सो दिस इज अ क्रॉस शोल्डर बैग, ब्रांड मिल जाएगा आपको डेली ऑब्जेक्ट्स का। सो इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट कलर डिजाइन पैटर्न मिल जाएंगे, सो मैंने इसको ग्रीन एंड फ्लोरल पैटर्न में इसको परचेज करा है। सो यहाँ पे आपको ऐसा स्लिंग मिल जाएगा, सो यहाँ पे आपको ऐसा ब्यूटीफुल सी चेन मिल जाएगी, चेन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड अंदर की तरफ ना आपको ऐसा एक कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे छोटे छोटे से ना कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, सो आप अपने की कुछ नोट्स वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड बैक साइड में भी आप अपने लाइक कार्ड्स वगैरह हैं, मेट्रो कार्ड वगैरह स्टोर कर सकते हैं। सो बात कर लेते हैं पूरे प्रोडक्ट की, सो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, सो ये मुझे 910 रुपये यानी 910 रुपीज़ में मिल गया था एंड क्वालिटी वाइज इसकी बहुत ही अच्छी है, सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैंडबैग, सो दिस इज़ अ पार्टी वेयर क्लच एंड मटीरियल आपको मिल जाएगा सिल्क फैब्रिक पे, इन्होंने पूरा डिजाइनिंग करा हुआ है। फ्रंट में आपको पूरा ऐसा पर्ल एंड स्टोन की डिटेलिंग मिल जाएगी एंड जो डिटेलिंग दे रखी है ना बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से दे रखी है एंड जो इसका क्लोजर है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा आपको स्टोन मिल जाएगा एंड इसको ओपन करते हैं, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंदर की तरफ पूरा ऐसा सिल्क मटेरियल में आपको फैब्रिक मिल जाएगा एंड इन्होंने गोल्डन कलर की यहाँ पे एक स्लिंग दे रखा है, सो आप एज अ स्लिंग भी इसको कैरी कर सकते हैं। सो पूरा जो क्लच है बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, इसका मटेरियल वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो आप एज अ शोल्डर की तरह भी इसको कैरी कर सकते हैं, साथ में आप इसको एज अ स्लिंग भी कैरी सकते हैं। सो इसका स्लिंग है ये एंड बात करें इसके प्राइसिंग की, सो गाइज ये मुझे पड़ा है 850 रुपीज़ में, बिकॉज ये जो पार्टी वेयर क्लच होते हैं ना वो इतने रुपीज़ में ही आपको मिलेंगे। सो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है एंड जो इसका ना इन्होंने डिज़ाइनिंग दे रखा है ना वो कुछ राउंड शेप में, सो इसको और ज़्यादा सुंदर बना देता है। सो पूरा जो क्लच है बहुत ही ज्यादा क्यूट है, सो आप इसको ट्राई करें। मूविंग ऑन टू लास्ट हैंडबैग बट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज अ शोल्डर बैग एंड इसमें आपको टू डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, पीच एंड ब्लू कलर। सो इसको मैंने ब्लू कलर में परचेज करा है। इसका जो मटेरियल है वो ऑयल पुल अप लेदर है, सो थोड़ा सा ना वो शाइनी मटेरियल होता है बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो यहाँ फ्रंट पे इन्होंने ऐसा चेन एंड लेदर का डिज़ाइनिंग दे रखा है एंड इसका ना मुझे सबसे अच्छा ये लगा इन्होंने पूरा ये चेन नहीं दे रखा है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना जो शोल्डर बैग होते हैं वो चेन में ना वो बार बार फिसलते हैं, स्लिप होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने लेदर देके बहुत अच्छा करा, ये स्लिप ही नहीं होता एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐसा पूरा क्रिस क्रॉस डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, सो इसको हम ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आपको टू कंपार्टमेंट मिल जाएंगे एंड बीच में आपको ऐसा
यहाँ पे मिडिल में आपको ऐसा पूरा चेन मिल जाएगा। सो इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं, लंच वगैरह आ सकता है अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है। सो डेफिनेटली इसको परचेज करना, बिकॉज मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी एज इट इज़ वैसी की वैसी है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो लास्ट इसकी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है एंड इसको मैंने बाटा स्टोर से परचेज करा है, ऑनलाइन बाटा स्टोर से। सो इसका प्राइस है 2499 रुपीज़, बस प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो जितने भी प्रोडक्ट मैंने परचेज करे हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय द वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।